कौन बोलदा कौन सुनदा बुझो इस हुण इस दे विच जो साडा खिडारी बनाया गया है वो बनाया गया है साडे मन ते हुण मन दे लई जो निज महल बनाया गया ते इत्थे अकाल पुरख जी ने मन दा पहला जन्म कराया पंजा तत्तां तों वो जिहड़े पंज तत्त ने उस सुन तो पैदा होए जिसनूं गुरबाणी विच पढ़दे हां आपां पंज तत्त सुनो परगासा देह संजोगी करम अभ्यासा कि वो जिहड़ा मन की जोत जो प्रगट की गई तो फिर मन को खीर समझाउण लगी इसनूं महल दे विच बुलाया गया जिसनूं गुरबाणी विच सानूं महाराज दसदे आ काया महल मंदर घर हर का जिस विच राखी जोत अपार नानक गुरमुख महल बुलाइए हर मेले मिलनहार जदों इस नूं निज महल दे विच बुलाया गया तो सतगुरु महाराज मन नूं खेल समझाउण लगे कि तैनूं असीं लोक दे विच खेल खेलण लई भेजण लगे हां जिस खेल दे लई तैनू साहां दा धन देण लग्या और ये जिहड़ा साहां दा धन आ ये तैनू गिण के दिता जाएगा उस खेल दे दौरान तू कहें कि मेरे साहां दा धन बढ़ा दो जां साहां दा धन घटा दो कहने ना ये तिल पर बदना ना तिल पर ये घटना जिसनों गुरबाणी विच असीं पढ़दे हां गिण काले सब दिवस सास ना बढ़न घटन तिल सार हुण इस नूं महल च बुला के दसण लगे कि तेरे इस महल दे विच तेरे लई सुख सहूलतां जो रखियां ने उन्हां दे बारे चानणा पाउण लगे जिवें हुण इधर आपां दृष्टमान च देखदे हां हर एक दुनिया दा प्यो अपने बच्चे लई अपनी संतान लई जन्ना उहदे विच अपनी हैसियत मुताबक वो सारिया सुख सहूलत अपने बच्चों नूं दिंदा ते मन दा पिता तो वह अकाल पुरखा जो सारी सृष्टि का रचिता तो उन्हें किन्नियां सहूलत दित्तियां होणगियां मन बच्चे नूं तां उन्हां सुख सहूलत बारे दसण लगे कि तैनूं जद भी कोई भी ख्वाहिश होवे तैनूं हर तरह का फल मिलेगा तैनू किसी भी प्रकार की चिंता ना होवे इसलिए तेरे इस महल में चिंता मणि रख दी गई है तेरे लिए हर प्रकार के भोजन 36 प्रकार के भोजन जाने के काम धेन का प्रबंध किया गया है चार पदार्थ दिते गए ने सारिया रिधियां सिद्धियां का तैनू खजाना दे दिता गया है गुरबाणी में सानू गुरु महाराज दसदे आ सुख सागर सुरतर चिंता मन काम धीन बस जाके चार पदार्थ दस अस्त सिद्धा सिद्ध नव निध कर तल ताके फिर मन नूं दस्या कि यह जो सारा ही खजाना है ये खजाना तैनूं मिलेगा तां जे तू नाम दे रस्ते ते चलेगा ये सारा ही खजाना है जो वह नाम ने मतहत कर दिता जिसनों असी गुरबाणी में पढ़ते हाँ हर हर नाम निधान है गुरमुख पाया जाए फिर दसन लगे कि तेरे इस निज महल दे विच कदे भी हनेरा ना होवे
हर टाइम ही चानना रहे, प्रकाश रहे, इसलिए इस विच ब्रह्म जोत का प्रबंध कर दिता गया है। तू अदास ना होवे, हर वक्त खुशी खेड़े विच रहे, चढ़दी कला विच रहे, इसलिए इस महल दे विच अनंत शब्दों का प्रबंध कर दिता गया है। तेरे महल विच मौसम दे ध्यान नूं रखदे आ, इस हर टाइम मौसम इको जिहा रहे, इस विच अमृत वर्खा कीती जा रही है, जिसनों असीं गुरबाणी विच पढ़ने आ, चिम चिम बरसे अमृत धारा। फिर इसनों दसन लगे कि तेरी खुराक जो अमृत रस है, वह खुराक तैनू दित्ती गई है, जिन्ना तेरा मन चाहे तू उन्नी पी सकदा। जिसनों असीं गुरबाणी विच पढ़ते हाँ, अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्द कढ़ पीए अनिहारी, कि जिसनों शब्द के राही कढ़ के असी उस अमृत को पी सकते हैं। उस तो बाद इसनों दसन लगे कि तेरा जिहड़ा पूजा का स्थान है, इस दे विच तेरा पूजा का स्थान बना दिता गया, तैनू कि बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिसनों गुरबाणी विच असी पढ़ते हाँ, अंतर पूजा थान बुरारा, ज्योति ज्योत मिला बनहारा। तेरे इसनों दसन लगे कि तेरे इशनान करन दा तेरे ही इसे महल दे विच प्रबंध कर दिता गया है, तैनू कितें बाहर जाने की जरूरत नहीं, तैनू किसी तीर्थां ते जाने की जरूरत नहीं, तेरे अंदर ही तीर्थ बना दिता गया है। जिसनों असीं गुरबाणी विच पढ़ते हाँ, तीर्थ नावण जाओ तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। हुण इसनों दसन लगे कि तेरे अंदर ही इस काया दे अंदर हट लगा दिते गए ने, जिन्हां हट्टां ते तू सौदा लैना, जिन्हां हट्टां तू अर्थचारा अर्थचारे दे लई जाना है, ने इस काया अंदर हाट पटन बजारा। हुण इसनों दसन लगे कि जिहड़ा तैनू इह धन दिता गया है सवासां दा, जदों तू उन्हां हट्टां ते जाना, इहदा हिसाब किताब तू आपे ही रखना है, किहड़ी हट ते तू किन्ने किन्ना धन खर्चना, किहड़ी हट ते किन्ना धन खर्चना, किन्ना धन तू बचाउणा है, इसदा हिसाब किताब तू आपे ही रखना। जिसनों गुरबाणी विच असीं पढ़दे हाँ, आपे पट्टी कलम आप उपर लेख पी तो, आपे कहिए नानक दूजा कहे गुरु। हुण इसनों दसन लगे कि तेरे लिए दो तरह के कपड़ा तैयार कर दिता गया है, तेरे लिए दुख ते सुख का। जिसनों गुरबाणी विच असीं पढ़दे हाँ, दुख सुख दो दर कपड़े पहरे जाए मनुख। हुण इसनों मन नूं इसकी पहचान कराई, नांगे आवन नांगे जाना, कि जदों इसने अपनी जोत नूं देखिया, इसने निहारिया कि यह नंगा ही इसने आना है ते नंगा ही इसने जाना है। हुण इस मन नूं दसन लगे कि तेरी उस खेड दे लई, जिस लोक दे विच तैनूं खेड खेलण लई भेजना है, उस खेड दे लई तैनूं ट्रेनिंग दित्ती जाएगी, और जिथे वो जिस तरह की तेरी ट्रेनिंग होगी उस तरह का खेल लोक दे विच होएगा, ये गर्भ तो बाहर होएगा। जिसनों गुरबाणी विच सानू समझाउण लगे सतगुरु महाराज, जैसी अगन उधर माया तैसी बाहर माया, अगन माया सब इको जिही करते खेल रचाया। हुण इसका संयोग किया गर्भ दे विच, इस मन नूं भेजा गया ट्रेनिंग देने दे लई, जिसनों असीं गुरबाणी विच पढ़ते हाँ, संयोग वियोग धुर ही हुआ, पंच धात कर पुतला किया, देही विच जी आए पिया, जिथे अगन पखै पड़हारे, उर्द मुख महा गुबारे। ते हुण जदों इसकी ट्रेनिंग होण लगी, जब तक उस अकाल पुरख जी ने शब्द का चक्कर बना के रखिया, तो मन में किसी तरह की कोई भी तत्ती वाह नहीं लगन दिती, पर ट्रेनिंग दिती जा रही सी। हुण उस शब्द का
चक्कर हटा के जदों ही इसनों पाउन नाल इसका सहयोग किया गया तो मन तड़फन लग्या। और जदों तड़फन लग्या तो शब्द का चक्कर फिर बना के उसनों सगन तो बचाया गया। तो हम मन उसनों दसन लगे, मन दसन लग्या गुरपुरख जी ने कि एक खिन पल बिसरे तू स्वामी जानो बरस पचासा, कि एक खिन जिहड़ा वो तेरे तो मेरा विछोड़ा पिया सी वो इस तरह लगता जिवें 50 साल बीत गए हुण, तेरे तो विछोड़े में 50 साल बीत गए। ज्यों ही हुण ट्रेनिंग पूरी हुई अकाल पुरख जी ने फिर इसनों मन नूं ट्रेनिंग तो बाद महल दे विच बुलाया ते इसनों इस जिस काया दे विच भेजना सी उस काया दा भेत देण लगे। उस काया दा भेत दिता कि जिहड़ा ये तेरा शरीर जिसनों असी किला कहने आ, खेत कहने आ, बहुत सारे नाम दिते गए गुरबाणी दे विच कि जिस शरीर दे विच तैनू भेजना है वो 6 गोलाकार चक्करां ते उसारिया गया है। खट नेम कर कोठड़ी बांधी बस्त अनूप बीच पाई, कुंजी पुरब प्राण कर राखे करते बार न लाई, अब मन जागत राहु पाई। इस जो महल विच जो नाम का निधान रखा गया है इत्थे हुण महाराज दसदे भी इत्थे जिहड़ा हैगा इस नूं दर नूं बंद कर दिता गया। इस दर नूं सतगुरु महाराज कहिंदे तू जागत अवस्था दे विच रहना तां कि चोर इस नूं लुट ना लैण, कहिंदे गाफल हो के जन्म गवायो चोर मूसे घर जाई, 5 पहरुआ दर में रहते तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित होई रहो तो लै प्रगास गुजारा, 9 दर देख जो कामन भूली बस्त अनूप न पाई, कहत कबीर नवें कर मूसे 10वें तत समाई। तो हुण इसनों दसन लगे भी इस दर ते ही वो 5 चोरां का जिहड़ा हैगा पहरा लग्या होया है। जेकर तुसी जागत अवस्था च ना रहे ता ये चोर तेरा जो है ये जो रास्ते विच जो सतगुण तो सच्चे महल तो मन ने नाम दे राही आना निज महल दे विच और निज महल तो पौन दे विच रल के जिहड़ा उसने अर्थचारे दे लई आना है उत्थे आना है रजोगुण ते। और रजोगुण ते जे मन सुचेत ना होवे तां गाह काल दे जिहड़े सिकदार बनाए होए ने 5 चोर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ओह मन नूं जो है अपने रस्ते लै जाणगे, ये रस्ता जिहड़ा हैगा उसनूं भुलाया जाणा है। ये जो खेल समझाई सतगुरु महाराज ने फिर इसनों एक परवाना लिख के दिता, पहला चिट्ठी लिख के दिती, वो चिट्ठी जिसनों असीं गुरबाणी में चीरी आखते हैं कि ज्यों ही तैनू इस चीरी का सद्दा मिलना तो ये खेल उदों ही समाप्त करके आ जाना है। जिहा चीरी लिखिया तिहा हुकम कमाए, कल्ले आवे नानक सदे उठ जाए। उस तो बाद जो ट्रेनिंग हुई जिवें आप इधर ट्रेनिंग करते हैं कोई सर्टिफिकेट दिता जाता तो मालिक ने एक परवाना लिखिया कि जे ये परवाना तुसी साथ लैके जाओगे तो लोग परलोक दोहां दे विच तुहाडी इज्जत तुहाडी वडियाई होएगी, जे ये परवाना तुसी कोल रखोगे। जिसनों असीं गुरबाणी विच पढ़ते हाँ नाम रतन परवानो पत मत पूरी पूरा परवाना, ना आवे ना जासी नानक गुरमुख आप पछाणे प्रभ जैसे अगनाशी। हुण इत्थे आके असी जिहड़े वो 4 पदार्थ सतगुरु महाराज सानू दे के भेजिया ते इत्थे असी इस रस्ते नूं भुल गए। जदों सतगुरुआं गुरबाणी विच दस दिया इस काया नूं कह दिता शक्ति
इनू अंदर जिहड़ा सूखम आ उसनू कह दिता शिव, शिव शक्ति का जिहड़ा मेल किया होया मालक ने साडी जिहड़ी देहरी है उहदे विच बंधी हुई है जिस दे विच इह खेल चलदा है। तो सतगुरु महाराज दसदे आ वी इस दे विच जो चार पदार्थ लैके आया कि चार पदार्थ लै जग आया शिव शक्ति कर वासा पाया एक विसारे तां पिड़ हारे अंदरे नाम विसारा है। हुण विसर गया उसनू नाम जिस दे नाम दे राही ही उसने अपने निज महल दे विच जाना सी, निज महल तो अपने सच्चे महल जाना सी, जो खेड समझा के भेजी वह उसनू भुल गया। जिसनू असीं गुरबाणी विच पढ़दे हाँ नाहू भूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पधौआ चले चाकर होए। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਖੇਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਅਗਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੈਅ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੀਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਆਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਾਲਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।